जीवन में सफलता अक्सर सोचने के तरीके में बदलाव लाने से आती है। जब हम समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं तो हम नए समाधान खोज पाते हैं। विजेता वही होते हैं जो चुनौतियों को अवसरों में बदलने का हुनर रखते हैं। सही मानसिकता और दृष्टिकोण के साथ हम किसी भी स्थिति को अपने अनुकूल कर सकते हैं। यह सोच हमें निरंतर आगे बढ़ने और सफल होने में मदद करती है। सुप्रभात, मैं दीक्षा कोहली आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। मौसम और जलवायु रिसर्च के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की ओर भारत के बढ़े कदम। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 परम रुद्रपुर सुपर कंप्यूटर किए राष्ट्र को समर्पित, कहा प्रौद्योगिकी बने गरीबों की ताकत। विश्व पर्यटन दिवस आज। पर्यटन मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में किया पर्यटन और शांति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे कार्यक्रम को संबोधित। सर्वोत्तम पर्यटन गांव पुरस्कार विजेता की भी होगी घोषणा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मिजोरम के 3 दिवसीय दौरे पर। आज से शुरू हो रहे CPA जोन 3 के 21वें सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन का उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र, अच्छे शासन और राष्ट्रमंडल देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के 3रे चरण में 1 अक्टूबर को 12 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मतदान। जम्मू जिले में 11 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी तैयारी अंतिम चरण में। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को होगा मतदान। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। भारत और बांग्लादेश के बीच 2रा टेस्ट मैच आज से कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क में खेला जाएगा। मैच चेन्नई टेस्ट जीतकर भारत सीरीज में 1-0 से आगे। आज सिराज की जगह स्पिनर कुलदीप यादव को मिल सकता है मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 26 सितंबर को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC प्रणाली का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर PM मोदी ने कहा कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और HPC प्रणाली के साथ भारत कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भरता, विज्ञान और तकनीक में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति के युग में कंप्यूटिंग क्षमता राष्ट्रीय क्षमता का विकल्प बन रही है। मेरे 3रे कार्यकाल की शुरुआत में मैंने युवाओं के लिए 100 दिन के अलावा 25 अतिरिक्त दिन देने का वादा किया था। उसी क्रम में आज मैं ये सुपर कंप्यूटर्स देश के मेरे युवाओं को डेडिकेट करना चाहूंगा। भारत के युवा वैज्ञानिकों को ऐसी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी भारत में ही मिले, इस दिशा में ये सुपर कंप्यूटर्स अहम भूमिका निभाएंगे। आज का नया भारत विकास और टेक्नोलॉजी में केवल बाकी दुनिया की बराबरी करके संतुष्ट नहीं हो सकता। नया भारत अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों से मानवता की सेवा को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। यह हमारा दायित्व है। अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है। इसके लिए हमने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कई ऐतिहासिक अभियान शुरू किए हैं। भारत की फ्यूचर जनरेशन में साइंटिफिक टेंपर मजबूत हो, इसके लिए स्कूलों में 10,000 से ज्यादा
अटल टिंकरिंग लैब भी बनवाई गई है। स्टेम सब्जेक्ट की एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप भी बढ़ाई गई है। इस साल के बजट में 1,00,000 करोड़ रुपए के रिसर्च फंड की घोषणा भी की गई है। प्रयास यही है कि भारत 21वीं सदी की दुनिया को अपने इनोवेशन से एम्पावर करे, दुनिया को मजबूत बनाए। बताते चलें कि लगभग 130 करोड़ रुपए मूल्य के 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने के लिए इन सुपर कंप्यूटरों को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजधानी नई दिल्ली में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 83वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में CSIR थीमेटिक प्रदर्शनी 2024 का उद्घाटन भी किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस बात पर जोर दिया कि अनुसंधान और विकास के लिए केवल राजकोषीय संसाधनों की प्रतिबद्धता पर्याप्त नहीं है और ऐसे निवेश को ठोस परिणामों के साथ मापा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसंधान और विकास सॉफ्ट डिप्लोमेसी और राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है। Everyone present in this room for me is a role model. Your contributions are spinal. Your contributions in silence are resonating with the last man in the last row. Your efforts are changing Bharat. A great occasion for me to be here. This is a very distinguished premium platinum category that is defining the growth history of Bharat, home to 1/6 of humanity. It is your foundation day, but it is integrally connected with the firm foundations of Bharat. You are firming up those foundations of the most vibrant functional democracy on the planet. You are firming up the foundations of a nation that is on the rise as never before, and the rise is unstoppable. The rise is incremental. And the destination of a developed nation at 2047 will be realized, if not earlier. The growth engine of the nation, any nation in the world, is driven by science and technology. And this is fueled by research and development. This makes focus on research and development of paramount importance. I call upon from this platform to come forward and generously invest in research and development. I look forward for a day when our corporates will figure in top 20 global corporates that invest in research and development. At the moment, there is none. That doesn't mean our corporates are not doing enough. They are doing enough. In automobile, in information technology, much is being done. But looking to our nation's size, its potential, its position, and the growth trajectory on which it is there, our corporates need to come forward to engage in research and development. The investment in research and development is lasting. And this, distinguished audience, please note, has another cutting-edge soft diplomacy. If you get something, nations flock to you. We have that power. Research and development is so integrated to security these days, and therefore investment is for the nation. Investment is for growth,
इन्वेस्टमेंट इज फॉर सस्टेनेबिलिटी। आज विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन मंत्रालय आज नई दिल्ली में पर्यटन और शांति विषय पर विश्व पर्यटन दिवस 2024 मना रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। यह कार्यक्रम विकास और वैश्विक सद्भाव को बढ़ाने और पर्यटन की भूमिका पर आधारित होगा। उपराष्ट्रपति कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर मंत्रालय की ओर से सर्वोत्तम पर्यटन गांव पुरस्कार विजेता की भी घोषणा की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मिजोरम के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वह आज से शुरू हो रहे सीपीए जोन 3 के 21वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और उसे संबोधित भी करेंगे। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष मिजोरम विधानसभा के ग्रंथालय में अभिलेखागार प्रकोष्ठ का उद्घाटन भी करेंगे। यह सम्मेलन मिजोरम की राजधानी आइजोल में हो रहा है। मिजोरम सीपीए भारत क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें देश भर की 31 विधानसभाएं शामिल हैं। इस क्षेत्र को 4 जोन में बांटा गया है, जिसमें मिजोरम जोन 3 के तहत आता है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे अन्य उत्तर पूर्वी राज्य भी शामिल हैं। सीपीए की भारत में मजबूत उपस्थिति है, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला सीपीए भारत क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। संघ का उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र, अच्छे शासन और राष्ट्रमंडल देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष और सीपीए इंडिया क्षेत्र जोन 3 के अध्यक्ष शेरिगेन लोंगकुमेर, मिजोरम विधानसभा के अध्यक्ष लाल बियाकजामा और मिजोरम विधानसभा के उपाध्यक्ष लाल फामकिमा उपस्थित रहेंगे। पूर्ण सत्र में व्यापार और सहयोग के भारत आसियान विजन में पूर्वोत्तर क्षेत्र को शामिल करना और क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की बेहतर रणनीतिक योजना तैयार करने और समन्वय के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का विलय उत्तर पूर्वी परिषद के साथ करना, इस विषयों पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख में सियाचिन बेस कैंप का दौरा किया और सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सैनिकों और अधिकारियों से बातचीत की। सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन का दौरा करने वाली देश की तीसरी राष्ट्रपति बनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने सैनिकों को संबोधित करते हुए चुनौतीपूर्ण और विषम परिस्थितियों में राष्ट्र की रक्षा करने के लिए उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। उन्होंने वहां तैनात सैनिकों के परिवारों और रिश्तेदारों के प्रति भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने सियाचिन बेस युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सभी जवानों और अधिकारियों से यहाँ आकर और मिलकर मेरी इच्छा पूर्ण हुई। सभी देशवासी आप सबकी बहादुरी को सलाम करते हैं। मैं सभी देशवासियों की ओर से आप सबके लिए विशेष सम्मान व्यक्त करती हूँ। जम्मू और कश्मीर में जम्मू जिले के 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 1 अक्टूबर को 12 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जम्मू जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें कुल 12,977 मतदाता हैं, जिनमें 6,19,066 पुरुष और 5,81,887 महिला तथा 24
थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने जिले में 1494 मतदान केंद्र बनाए हैं। इस चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले 47,963 मतदाता हैं। इस बीच सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर हैं। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक ही चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। भारत ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित 2024 शतरंज ओलंपियाड में इतिहास रचते हुए महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर भारतीय शतरंज ओलंपियाड टीम के सदस्यों के साथ बातचीत की। Prime Minister Narendra Modi hosted India's 45th Chess Olympiad's gold medal winning Indian contingent at his residence in New Delhi. During the interaction, the Indian chess players exchanged their memories and key moments with the Prime Minister. At the freewheeling interaction, the players said that they were elated to hear that Prime Minister Narendra Modi congratulated them during the New York diaspora event, where the reverberations were heard across international borders. हम लोग बस में से आ रहे थे और आपका स्पीच हम लोग लाइव देख रहे थे और आपने वहां पे अनाउंस कर दिया वर्ल्ड में कि भारत ने ये ऐतिहासिक 2 गोल्ड मेडल जीते और हम सब लोग उस टाइम साथ में बस थे, हमें इतनी खुशी हुई सबको। Indian women chess players Harika Dronavalli and Tania Sachdev both thanked Prime Minister Narendra Modi for continuously uplifting their morale before and after the event. से मैंने हमेशा देखा है कि आप हर स्पोर्ट और हर स्पोर्ट पर्सन को इतना इनकरेज करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्पोर्ट से बहुत बड़ा लगाव है। आई थिंक हमें नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी चेस जो खेलते हैं अभी उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन हो गए कि Talking on the importance of sports development for the country, Prime Minister said it is not only about economical figures that run a country, but sports also stands as an important pillar in a nation's economy. खेल में भी maximum goal हमारे बच्चे कैसे लाएं? ये जब होता है इतने सारे vertical, तब देश महान बनता है। Prime Minister Narendra Modi shared the memories of chess event organized by him 2 decades ago in Gujarat, where Indian chess player Vantika also participated as a young chess player. फिर आपने जब इतना मुझे encourage किया ये, तो मैं इतना खुश हो गई थी कि मैंने कहा अब तो मुझे पूरी जान लगा देनी है चेस में। During the interaction with the Prime Minister, all the players shared valuable moments and key ideas as well on how to improve the game, keeping technology in mind. With AI, the chess has evolved. There has been new technology and the computers have become much stronger now. And it is showing a lot of new ideas in chess and we are still learning from it and I think there is a lot to learn from it. Sir, I think abhi aisa ho gaya hai ki AI ke tools sabko available ho gaya hai kyunki democratized ho gaya hai aur abhi hum zarur preparation mein use karte hain. India came back from Budapest registering a glorious performance, bagging multiple gold medals at 45th Chess Olympiad. With this achievement, India is witnessing a new era in the world of chess with many more milestones in the pipeline for the country. Sports Desk, DD India. मेजबान भारतीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच मौजूदा टेस्ट सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। इस टेस्ट मैच का आयोजन कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होगा। लंबे समय के बाद यहां कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया पहला मुकाबला जीतने के बाद सीरीज में 1-0 से आगे है और कानपुर में सूपड़ा साफ करने के इरादे से खेलने उतरेगी। ये मैच उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। कानपुर में काफी समय के बाद मैच हो रहा है, इसलिए भारी संख्या में फैंस के यहां पहुंचने की उम्मीद भी है। मुकाबले की शुरुआत सुबह 9:30 बजे से होगी। टॉस 9 बजे होगा। टीम इंडिया WTC अंक तालिका में इस समय टॉप पर है और भारत ये मैच व सीरीज जीतकर अपनी स्थिति को और मजबूत करने का प्रयास करेगी। दोनों देशों के बीच अब तक 14 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं। इनमें 12 मैचों में टीम इंडिया विजयी रही है, जबकि 2 मुकाबलों का नतीजा ड्रॉ रहा है। यानी बांग्लादेश आज तक भारत के खिलाफ एक भी टेस्ट मैच
नहीं जीत पाया है। आज के मैच में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आराम देने की संभावना है और लोकल बॉय कुलदीप यादव को अवसर दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद चेस प्लेयर्स काफी उत्साहित दिखे। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं उनके उत्साह और खुशी को दिखाते इस वीडियो के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। इतने बिजी स्केड्यूल में उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और इतना इंकरेज किया, तो ऐसे कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हो और आपको प्राइम मिनिस्टर जी से अगर शाबाशी मिले तो और क्या बोल सकते हैं। जैसे उन्होंने बात किया, उन्होंने हमें कंफर्टेबल बना दिया। उन्होंने टूर्नामेंट के बारे में पूछा, हंसी मजाक की, तो हम कंफर्टेबल हो गए। उन्होंने बताया उनका कैसे वो डिसीजन लेते हैं, वो कैसे इतने सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। मेरा बर्थडे 28 सितंबर को था और ये याद था, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप 3 दिन बाद क्या करने वाले अपने बर्थडे में। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्हें मेरा बर्थडे कैसे याद है। जब मैं 9 साल की थी तो मोदी जी ने बहुत बड़ा इवेंट गुजरात में ऑर्गेनाइज किया था, तो तभी मैंने जस्ट एशियन चैम्पियनशिप जीता था, उसमें 2 गोल्ड जीते थे, तो मुझे उनने वहाँ पे बुलाया था और वहाँ पे सम्मानित किया था। और मुझे इतनी ज़्यादा प्रेरणा मिली थी तब जब मुझे उनने सम्मानित किया कि मैंने सोच लिया था कि अब तो और जीतना ही जीतना है, इंडिया के लिए खेलना है और इंडिया के लिए हमेशा ही गोल्ड जीतते रहना है। से इतना कुछ सीखा उनके एक्सपीरियंसेस से, कैसे प्रेशर को हैंडल करना, उनका स्पोर्ट्स से लगाव। एंड दिस मीटिंग आई थिंक हम सबको इट्स लेफ्ट अस विद सो मच जोश, इतना इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, एंड ट्रूली अ वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस। द वे ही रिमेंबर्ड वंतिका'स बर्थडे व्हिच जस्ट शोड हाउ मच ही रियली केयर्स एंड यू नो ही नोस अबाउट द स्पोर्ट एंड and the players and how much this means to him, it really is very nice for us to know. When I introduced myself, the first thing he asked was like, where is your brother, how is your parents? It felt really good, I felt connected. It's very nice of him to remember and ask about my parents also. Sir gave more importance to the yoga, meditation, physical fitness. Sir has a lot of knowledge about various things. And not just one topic, but chess or history. He makes us comfortable, and I think that's very important. I think after some time, we got so involved into the conversation that we forgot that we are speaking with Mr. Prime Minister. It just felt like, you know, he's so down to earth, and like we're speaking and having a normal conversation. I think I would remember this experience maybe forever. बिल्कुल लगा ही नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, एंड ही वॉज सो हम्बल एंड मेड श्योर सब कम्फर्टेबल है, एंड द एटमोसफियर वॉज सो सरप्राइजिंगली चिल। एंड वन थिंग दैट स्टूड आउट टू मी इज हाउ हम्बल ही इज एंड हाउ इवन डिस्पायर्ड बींग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो बात कर रहे थे कि हाउ एवरीबडी शुड बी ओपन टू सजेशंस एंड शुड बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, एंड आई थिंक दैट्स सच एन इनक्रेडिबल एंड इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। सर को बहुत इंटरेस्ट था कि ये चेस ने जो विश्व विजय प्राप्त किया दोनों टीम ने, ये जो यूनिक 100 साल में हमने फर्स्ट टाइम ऐसा विजेते पद मिला है, तो ये पूरी दुनिया को पता चले, क्योंकि उन्होंने जब अमेरिका में वो थे 22 सितंबर को, वहाँ पे उनका स्पीच चल रहा था और उसके 1-1.5 घंटे पहले हम लोग दोनों चैम्पियनशिप मिली थी हमको, और हम लोग गाड़ी में थे और हमको किसी ने बोला कि पीएम साहब का स्पीच चल रहा है, आप सुनो, तो हम जब सुन रहे थे तो उन्होंने वो टूर्नामेंट की चैम्पियनशिप की विक्ट्री उधर उन्होंने सबको बताई, तो हम सबको इतना अच्छा लगा कि 1.5 घंटे में उनको पता चला और उन्होंने ये पूरे दुनिया को बता दिया।